अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं मदनी ऑटो एंड टेक्निकल टूर। तो दोस्तों, आज मैं आपको मोटरसाइकिल के हब में मुकम्मल तारें डाल के इसको जाल बनाना आपको सिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हब में हम बाहर से अंदर की तरफ एक तार डालेंगे, ये देखें। इसके बाद एक सुराख को हम छोड़ देंगे, ये हमने तार डाली है, ये एक सुराख हम छोड़ देंगे और दूसरे सुराख में इसी तरह बाहर से अंदर की तरफ एक तार डालें। इसी तरह एक छोड़ दें और दूसरे में डाल दें। ऐसे ही एक साइड से हम पूरा इसको मुकम्मल कर लेंगे। जी दोस्तों, अब हम दूसरी साइड पे आ गए। इस साइड पे हम जो दूसरी तार डालेंगे उसमें सबसे अहम यह है कि ये जो तार हम डालेंगे इस तार से बिल्कुल सामने यहाँ पे डालेंगे। ये देखें, ये हमारी तार है, ये इस तार के बिल्कुल बराबर में आ गई है। अब इसी तरह हम मुकम्मल एक सुराख छोड़ देंगे, दूसरे में डालेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर दूसरे में डालेंगे। तो चलें मुकम्मल करते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी हमने एक सुराख में तार डाली है, दूसरा छोड़ दिया, फिर एक तार डाली है, फिर छोड़ दिया है, फिर एक डाल के फिर एक छोड़ दिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी एक तार अंदर की तरफ गई है और दूसरी तार बाहर की तरफ। इसी तरह हम इस साइड से भी मुकम्मल करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारी तारें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिम के एक सुराख इस साइड पे है और दूसरा सुराख इस साइड पे है। अब हम इस वाले सुराख में पहली तार डालेंगे। कौन सी डालनी है चलें वो आपको बताते हैं। ये तो हमने ड्रम ले दिया और ये तार जो हमने बाहर से अंदर की तरफ डाली थी इसको, और इसको जो सुराख मैंने आपको दिखाया था उस सुराख में फिट करने दिया। ये देखें यहाँ पे। ये हम पहली तार फिट करेंगे। अब हम तीन सुराख छोड़ देंगे, एक दो और तीन, और चौथे वाले में अगली तार डालेंगे। ये तार कौन सी है? अंदर वाली साइड की, पहली की अंदर वाली है, ये दूसरी भी अंदर वाली। इसी तरह अंदर वाली सारे तारें तीन सुराख छोड़ के चौथे सुराख में हम डालेंगे। अब सेम उसी तरह जो तार हमने बाहर से अंदर की तरफ डाली है उसको हम दूसरी साइड पे एडजस्ट करेंगे। इन तारों को रुख हमने इस तरफ कर दिया है, जबकि ये जो न्यू तार हमने डाली है इसका रुख इस तरफ करेंगे। ये यहाँ पे आके फिट हो जाएंगी। अब सेम पहले की तरह तीन सुराख छोड़ के चौथे सुराख में हमने अगली, अब इस तार को देखें, इस तार का रुख इस तरफ है और ये जो बाहर वाली तार हम लेंगे इसका रुख हम चेंज कर देंगे इस तरफ, ये क्रॉस बन जाएगा। ये देखें, ये अंदर वाली तार है और ये बाहर वाली तार है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद सेम वही प्रोसीजर, तीन सुराख छोड़ के चौथे सुराख में, एक दो तीन और ये चार। अब बाकी हम इसी तरह मुकम्मल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक साइड मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। सेम उसी तरह इसका रुख इस तरफ है और दूसरी का रुख हम चेंज करके इस तरफ कर देंगे। तीन सुराख छोड़ देंगे और चौथे में हम अगली तार लगाएंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारा रिम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।